हेलो मॉमीज, सो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी फिफ्थ मंथ डेवलपमेंट इन बेबीज की। बेबी में फिफ्थ मंथ में क्या क्या डेवलपमेंट होती है, क्योंकि अब बेबी बहुत चंचल हो गया, बहुत एक्टिव हो गया। अब उसे खेलना है, मतलब उसे लेटे नहीं रहना है, उसे बैठना है, उसे खेलना है, उसको अपनी सराउंडिंग में देखना है, उसको लोगों को देखना है, लोगों के साथ बातें करनी है, खेलना है, हंसना है, मस्ती करनी है, क्योंकि ये मंथ में बेबी और बड़ा हो गया है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ। वो और खेलने के मूड में हो गया है, उसका स्लीप पैटर्न बेटर हो गया, उसका डायपर यूसेज बेटर हो गया, उसका वेट बेटर हो गया, उसका फीडिंग बेटर हो गया है, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट, उसकी मेंटल, उसकी सोशल, उसकी इमोशनल, उसकी मोटर स्किल, ये सब डेवलपमेंट इंक्रीज हो गई है, बेटर हो गई है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ मंथ से। तो वो सारी चीज़ें इंक्रीज हो गई है, और बहुत इस फेज में बेबी बहुत चीज़ें न्यू सीखता है, न्यू चैलेंजेस फेस करता है। तो हम ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे कि इस मंथ में बेबी क्या क्या करता है जो मैंने नोटिस करा था अपनी बेबी में फिफ्थ मंथ में। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जो नीचे आपको बेल आइकन दिख रहा है, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, उसे क्लिक करें और सब्सक्राइब माई चैनल कनिका पवित शो, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आती रहे। एंड प्लीज़ जो भी आपको चीज़ें इस वीडियो में रिलेट कर सकते हो ना आप, तो प्लीज़ टाइप करें जी फॉर गुड। एंड लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज़ बेबी वेट। तो इस मंथ में बेबी का वेट 5.2 से लेकर 7.5 केजी तक बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है, वो फीड अच्छी लेने लग जाता है, उसकी भूख अच्छी हो जाती है। अब कुछ बेबी सॉलिड भी स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए उनका वेट इंक्रीज़ होने लग जाता है। सेकेंड इज़ स्लीप पैटर्न। इस मंथ में बेबी अच्छे से सोने लग जाता है, उसका स्लीपिंग पैटर्न अच्छा हो जाता है, वो रूटीन बनाने लग जाता है। मतलब आप उसका रूटीन बना सकते हो कि कब सोना है, कितना कब उठना है, दोपहर में कब सोना है और नाइट में कब सोना है। तो मोस्टली बेबी 12 टू 17 आवर्स सोता है इस मंथ में, एंड आराम से वो 3 to 4 नैप ले सकता है वो दिन में, और आराम से वन टू टू नैप लेता है नाइट में, और आराम से 8 hours सो सकता है नाइट में, और मॉर्निंग में भी, मतलब मॉर्निंग आफ्टरनून में, दिन में वो आराम से 2 to 3 hours सो सकता है, बिकॉज उसका पेट भरा होता है, वो अच्छे से एक्टिव होता है, खेलता है, तो थक भी जाता है, तो अच्छे से वो नैप ले सकता है। थर्ड इज़ फीडिंग पैटर्न। अब बेबी का फीडिंग पैटर्न बहुत अच्छा हो जाता है, वो क्विकर हो जाता है, जल्दी पीने लग जाता है, उसकी क्वांटिटी बहुत इंक्रीज़ हो जाती है। अब वो आराम से अच्छे से मिल्क क्वांटिटी उसकी इंक्रीज़ हो जाती है, आप देखोगे कि अब वो बॉटल भी उसकी बड़ी होने लग जाती है एज़ कम्पेयर टू छोटी बॉटल से। तो बहुत सारी चीज़ें आप नोटिस करोगे, और बहुत अच्छी, मतलब वो क्विकर हो जाता है, उसका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। फोर्थ इज़ एक्टिव विंडो। अब बेबी की एक्टिव विंडो, मतलब अवेक टाइम भी लॉन्गर हो गया एज़ कम्पेयर टू फोर्थ मंथ, वो आराम से 2 to 3 hours जग सकता है। पहले वो क्या करता था, 1 hour या 1.5 hours वो जगता था, अब वो आराम से 2 to 3 hours जगता है, जिसमें वो फीडिंग भी करता है, खेलता है, मालिश कराता है, बेसिकली अब उसको खेलना है, तो वो एक्टिव रहता है एज़ कम्पेयर टू सोना। तो वो मतलब अब उसे सोना नहीं रहना, अब उसको सोते नहीं रहना, उसको खेलना है, तो इसलिए वो अवेक रहता है मोस्टली, और उसमें वो खेलना पसंद करता है, आपसे बातें करना पसंद करता है। तो फिफ्थ इज़ सोशल एक्टिव। सो बेबी अब सोशल एक्टिव बहुत हो गया है, सोशली बहुत एक्टिव हो गया है, इमोशनली बहुत एक्टिव हो गया है। तो बेबी अगर एकदम सब गुस्सा करोगे तो वो थोड़ा शॉक हो जाएगा, रोने लग जाएगा, और अगर आप मतलब हंसोगे तो वो हंसेगा, अगर आप कुछ भी खा रहे हो तो वो देखेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा, खेलेगा, वो लोगों के साथ बातें करेगा, मतलब वो अपनी लैंग्वेज में बातें करेगा, कोई मतलब उसको गोदी लेना चाह रहा होगा तो उसकी गोदी आएगा, हाँ, लोगों से बातें करेगा, पार्क टाइम में भी मतलब लोगों को देखेगा, बच्चों को देखेगा, और फेशियल एक्सप्रेशन देखेगा, अगर आप कुछ भी बात करते हो किसी से भी तो फेशियल एक्सप्रेशन देखेगा, आपको नोटिस करेगा, और जो भी आप कुछ खा रहे हो तो वो ऐसे ऐसे करने की कोशिश करेगा, मतलब कि उसका मन भी कर रहा है खाने का, तो वो बहुत मतलब वो फेसेस बनाने लग जाता है कि आई ऑल्सो वॉन्ट दिस, कि मतलब वो बहुत एक्टिव हो जाता है इस चीज़ में, कि मोटर स्किल इम्प्रूव हो जाती है, मोटर स्किल इम्प्रूव, फिजिकली डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो जाती है। अब उसकी मालिश जो आपने कर रही है वो अच्छे से
रंग आती है, वो अच्छे से हेल्दी होने लग जाता है. और मालिश आप दो टाइम करो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बेबी इस टाइम बहुत थका होता है, बहुत एक्टिविटी करता है. तो मालिश आपको दो बार करनी चाहिए. वो आपको पकड़ने की कोशिश करेगा अच्छे से, मतलब वो रैटल की रीच में आ जाता है, वो उठने की कोशिश करता है, रैटल को पकड़ने की कोशिश करता है. प्ले जिम में अब उसे लेटे नहीं रहना. लिटरली फिफ्थ मंथ में बेबी कम यूज़ करते हैं प्ले जिम, तो अब उससे वो ना क्या करता है, धक्का मारता है रैटल को, मारने मतलब पकड़ने की कोशिश करेगा. वो उस प्ले जिम से बाहर भी निकल जाएगा, क्रॉलिंग बैक से क्रॉलिंग करेगा, टमी टाइम होगा उसका, रोटेट होगा वो. और कोई कोई बेबी तो बैठने की कोशिश करने लग जाते हैं सहारे के साथ, कोई कोई नेक कंट्रोल उनकी बहुत अच्छी हो जाती है. आराम से वो खेलने की कोशिश करते हैं, चीज़ें पकड़ने की कोशिश करते हैं, आपके कपड़े हो गए कुछ भी, और कुछ ना कुछ वो मुंह में लेते ही है चाहे आपके. इसलिए हम मोस्टली इस मंथ में बेबी को मिटन्स बना के रखते हैं, कुछ ना कुछ उनके हाथ मुँह में जाते ही रहते हैं, हाथ पैर मुँह में जाते ही रहते हैं, जिससे जर्म्स जाने का भी चक्कर रहता है. इसलिए मोस्टली हम इस मंथ में मिटन्स बना के रखते हैं. और बेबी मतलब बहुत एक्टिव हो जाता है, बहुत खेलता है, पैर हाथ बहुत चलाने लग जाता है, और वो उठने की कोशिश करता है, रैटल्स को अच्छे से पकड़ने की कोशिश करता है, खिसकने की कोशिश करता है, रोटेट करने की कोशिश करता है, बहुत सारी न्यू एक्टिविटीज़ करता है. फेस तो चेंज होता ही है, बाकी ये सारी डेवलपमेंट बहुत चेंजेस होती हैं. सो इस मंथ में बेबी को टीथिंग प्रॉब्लम होने लग जाती है. सो आपको कोई मेडिसिन नहीं देनी, जस्ट अप्लाई होम रेमेडी एंड टीथर, अपने आप क्योर हो जाएगा. बी केयरफुल, आपको बेबी बहुत हाथ देगा मुँह में, तो आपको केयरफुल रहना है. हाथ मुँह में डालने लगेगा, वो चीज़ें मुँह में डालने लगेगा, बट बी केयरफुल कि क्योंकि जर्म्स होते हैं हर जगह, तो उसकी जो टॉयज़ है, जो भी वो यूज़ कर रहा है था, वो सब सैनिटाइज होना चाहिए, वॉश्ड होना चाहिए. था कुछ मैं टिप्स दूंगी कि जो आप ध्यान रख सकते हो बेबी का, और जो आपको चीज़ें ध्यान रखनी है बेबी की इस मंथ में, बिकॉज ये मंथ बहुत चंचल होता है बेबी का. तो इसलिए फर्स्ट इज़ बेबी सॉलिड खाने लग जाता है इस मंथ में कुछ बेबीज, तो बी केयरफुल. आप जो भी दो वो डॉक्टर के अकॉर्डिंग दो और प्रिस्क्राइब कराया हो, और प्लीज़ बी केयरफुल बिकॉज, और प्योरी फॉर्म में दो, बिकॉज बेबी बहुत छोटा होता है, एकदम से आप कुछ नहीं दे सकते. दाल का पानी, चावल का पानी और फ्रूट से स्टार्ट करो, ऐसे थोड़ी थोड़ी स्टार्ट करो. सेकेंड इज टीथिंग प्रॉब्लम, बेबी को टीथिंग प्रॉब्लम इस मंथ में बहुत होती है, तो बी केयरफुल. बेबी कुछ ना कुछ उठा के खा लेता है, या फिर कुछ ना कुछ मुँह में देगा जिससे जर्म्स होंगे, जिससे उसको फीवर, लूज मोशन कुछ भी हो सकता है, तो बी केयरफुल इन दैट. थर्ड इज़ कुछ बेबी एकदम से करवट नहीं ले पाते हैं, तो प्लीज़ उन्हें टमी टाइम दे, 15 to 20 minutes टमी टाइम दे, ताकि वो ईज़िली रोटेट होने लग जाएँ और बैठने की कोशिश करें. फोर्थ इज़ बेबी से बातें करो, लाउड बातें करो, उनको फेशियल एक्सप्रेशन से बातें करो, इससे बेबी की हेल्प होगी कि वो बातें करने की कोशिश करेंगे और जल्दी सीखेंगे. सो ये सारी मैंने टिप्स आपको बताई कि आपको ध्यान रखनी है जब बेबी फिफ्थ मंथ में है, और क्या क्या वो चेंजेस करता है. तो प्लीज़ एंजॉय दिस मोमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट होता है, बहुत इंजॉयमेंट मोमेंट होता है. वन ईयर इज़ द मोस्ट क्रूशियल पीरियड, बिकॉज बेबी हर दिन हर मंथ में चेंज होता है, एंड लिटरली हमने हर मंथ पर डे सेलिब्रेट करा था, बिकॉज इट इज़ अनदर फीलिंग जो हम किसी को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इट इज़ अनदर फीलिंग. So please enjoy this moment. I love to share all videos with you. I love to share all experience with you. And please guys, like, share and subscribe my channel, Kanika Pavit Show. And जो भी आपको information चाहिए, जो भी आपको कुछ भी चाहिए, please comment section में लिखें, and अपने भी experience comment section में लिखें. And please guys, thank you. Bye. Please like, share and subscribe our channel, Kanika Pavit Show. And keep watching our videos and enjoy. Thank you.